Who else is with me? Everybody doing separate bites? No. Okay. Yeah. Avinash. Ready? Let's start. Yeah. So, many congratulations. Thank you. कुछ विशेष बताएंगे आज इस अवार्ड से जुड़ी बात भी आपने शेयर करना चाहेंगे भारत टाइम्स की तरफ I'll just say thank you. मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत धन्यवाद नवभारत टाइम्स को और चीफ मिनिस्टर को कि उन्होंने मुझे ये अवार्ड दिया और आई डोंट नो ऑनेस्टली कभी कभी लगता है कि आई डोंट नो कि मैं इतने सारे अवार्ड्स की हकदार हूँ या नहीं बट थैंक यू इट्स ग्रेट फन टू ड्रेस अप एंड गो फॉर एन अवार्ड एंड इट्स हाईली एन्जॉयबल विद डिजिटल मीडिया डू यू थिंक आपको लगता है कि पत्रकारिता अखबार का महत्वता बनी हुई है जी बिल्कुल आई थिंक दैट अखबार जो होते हैं आई थिंक दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो बहुत बहुत देश को चलाने में कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं और जैसे मुझे लगता है कि देर आर इंग्लिश न्यूज़पेपर्स ऑफ कोर्स बट आई थिंक द फैक्ट दैट जिस भाषा में ये पूरा देश चलता है वो हिंदी है एंड नवभारत टाइम्स इज़ डेफिनेटली द लीडर इन दैट आप अभी अवकाश पे थी छुट्टियों पे थी अभी वापस आए लोग कह रहे हैं कि मतलब आपकी फिल्म के बारे में पूछना चाह रहे थे अगर बताना चाहें आप तानाजी में शामिल थैंक यू सो मच बट उसके बारे में अभी बात करने में काफ़ी वक्त है तो आई थिंक वंस आई एम क्लोजर टू दैट टाइम देन आई विल टॉक अबाउट द फिल्म जन्मदिन आ रहा है जी हाँ मेरा जन्मदिन आ रहा है मैं बहुत खुश हूँ कि मेरा जन्मदिन आ रहा है इच्छा नहीं खुश नहीं ऐसी कोई विशेष इच्छा नहीं है इस साल हम ज़्यादा मनाएंगे नहीं और सो आई थिंक इट्स जस्ट गोना बी अ क्वाइट बर्थडे एट होम व्हिच इज़ माय मोस्ट फेवरेट काइंड एंड दैट्स ऑल आई विश फॉर थैंक यू सो मच लाइक दिस ओके Thank you. ये वर्ष तो काफी आपके लिए अच्छा रहा है इनाम सम्मान चारों तरफ से प्रशंसा आपको उत्साह प्रोत्साहन देती है ये चीज आपको हाँ जी बिल्कुल अच्छा लगता है जब भी इतना प्यार मिलता है प्रोत्साहन मिलता है इनकरेजमेंट मिलती है बहुत अच्छा लगता है अपने काम में और अपने ही एनवेलप को पुश करने का और जज्बा बढ़ता है कि और मेहनत करें और अच्छा काम करें गॉड इज़ बीन वेरी काइंड और अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ मिले और उन अपॉर्चुनिटीज से बहुत सारा प्यार मिला तो बहुत अच्छा लगा वेरी ऑर्गेनिक जर्नी सिंस द टाइम मसान केम आउट इन 2015 चार साल हो गए बहुत अच्छा लगता है चार साल कैसे चले गए पता नहीं चला बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला उनसे सीखने का मौका मिला बहुत सारा प्यार मिला तो बहुत खुशी होती है कुछ किरदार आपके साथ रह जाते हैं ज़िंदगी भर तो मसान उनमें से एक फिल्म थी और अच्छा लगता है बहुत अच्छा लगता है कई बार याद करके और आज भी जब लोग उसको लेकर प्यार देते हैं बहुत अच्छा लगता है हाँ जी इट वॉज वेरी स्पेशल इनफैक्ट मुझे भी पता नहीं था मुझे भी ऐसे ही खबर मिली थी अपने RSVP से जिन्होंने इनिशिएटिव लिया एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट टुडे थ्रू दिस इवेंट बाय नवभारत टाइम्स आई गॉट दी अपॉर्चुनिटी टू थैंक आर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी पर्सनली ऑन स्टेज फॉर मेकिंग इट हैपन इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड इट वॉज एंड इट्स नाइस हाउ टू नो दैट पीपल आर स्टिल इंटरेस्टेड टू वॉच दैट फिल्म एंड द शोज वेंट पैक्ड इवन इफ इट वॉज जस्ट फॉर वन डे But it was a nice feeling that we could kind of contribute to giving an ode to Kargil Vijay Divas and to all those martyrs and to all those soldiers who fought for us. Vicky, काफी दिनों से चर्चा चल रही है कि राकेश शर्मा की बात भी आप करने वाले हैं जो शाहरुख नहीं कर रहे हैं। उसका status कुछ है आपका नाम बार-बार लिया जा रहा है कि आप वो बात भी करने वाले हैं। नहीं सर ये मैं ये फिल्म से तो जुड़ा हुआ नहीं हूँ Okay. Baba ji, talking about the next film, Shahid Uttam Singh, which is a film. First, Uri, now Shahid Uttam Singh. It's like you have become the face of patriotic films. How
पर जब आप कहानियाँ चूज करते हो बतौर एक्टर, आप ये नहीं देखते कि यू नो कि आपको एक ही तरीके का रोल करना है या पेट्रियटिज्म है या नहीं है. आप अच्छी कहानी सुनते हो, एक कहानी सुनते हो और आप अगर आपको वो दिल को छू जाती है तो आप उसको आपको वो करने की इच्छा होती है. एंड इट्स इट वॉज ऑलवेज माई ड्रीम टू वर्क विद सुजीत सरकार एंड आई फाइनली गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद हिम एंड आई एम ग्लैड दैट इट्स फिल्म ऑन शहीद उधम सिंह विच इज़ यू नो विच इज़ अ ग्रेट ऑनर फॉर मी ऑल्सो टू काइंड एंड बट अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो एट द सेम टाइम. तो कर रहे हैं अभी अक्टूबर से शूट फिर से रिज्यूम होगी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट प्रोसेस टू स्टार्ट. I'm very happy with the way it's shaping up for Sunny as well. Last year Gold आई थी जिनमें उनको काफ़ी प्यार मिला और काफ़ी तारीफ मिली क्रिटिक्स से भी. एंड इस साल रॉनी स्क्रूवाला जी की फिल्म आ रही है भंगड़ा पाले जिसमें वो लीड है. फिर अभी वो इलाहाबाद में इस वक्त शूट कर रहे हैं फॉर इज नेक्स्ट फिल्म कॉल्ड हुड़दंग. फिर दिनेश विजन जी के साथ एक फिल्म है. सो ही इज ऑल्सो गॉट एन इंटरेस्टिंग लाइनअप. दोनों भाइयों पे ऊपर वाला मेहरबान हो रहा है तो अच्छा लग रहा है. बट वही मेहनत करते रहेंगे एंड वील रियली होप फॉर द लव फ्रॉम द ऑडियंस टू. हाँ जी, सैम मानेकशॉ जी की बायोपिक है एंड दैट्स अगेन मतलब मैंने सिर्फ किस्से सुने थे अपने मम्मी डैडी से बिकॉज मेरे मॉम डैड पंजाब से हैं. तो उन्होंने 71 के वक्त जब वॉर हुई थी तो उन्होंने वो वॉर को बहुत क्लोजली देखा है. तो हम तब इंदिरा गांधी जी की और सैम मानेकशॉ जी की किस्से सुनते थे कि ये रेडियो पे बातें होती थी एंड ये उनके स्पीचेस होते थे एंड दैट यूज़ टू गिव अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ टू द आम जनता. तो पर अब जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, कहानी जानने का मौका मिला तो आई वॉज रियली ब्लोन अवे कि ही वॉज ट्रूली ट्रूली अ लेजेंड दैट दिस कंट्री हैड. And it's an honor of the highest order for me to get an opportunity to play the part of Sam Manekshaw. So I'm very excited for that. Vicky, you've worked on digital platforms and your love for Squarefoot, all that story has been successful. Would you ever return to digital genre or you stick to films? No, of course. See, look, digital is a platform which is booming and we all are an audience to it. So, ऑफ कोर्स अगर कहानी अच्छी होगी, एक कुछ किरदार इंटरेस्टिंग होगा और आपको वो सेटअप अच्छा लगेगा, डायरेक्टर, एवरीथिंग, इफ़ इट वर्क्स इन एवरी पॉसिबल वे देन यू डेफिनेटली वांट टू डू इट बिकॉज देयर इज अ ग्रेट ऑडियंस टू दैट. बट ऑल्सो यू हैव टू लुक एट द टाइमलाइंस इफ इट्स अलाउिंग इन द टाइमलाइन और नॉट. पहला प्यार तो हमेशा मेरी पिक्चरें थी क्योंकि बड़े पर्दे को देख के सपना आया था कि मैं एक्टर बनूँ. तो वो तो कभी कम नहीं होगा बट इट्स अ ग्रेट एडिशन टू द मेन्यू कार्ड एज एन ऑडियंस एंड ऑल्सो एज एन एक्टर. तो अगर कभी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली और कुछ एक्साइटिंग हुआ तो जरूर. ये झूठ है, ये सरासर झूठ है. कई बार मैं अवार्ड शो में आता हूँ, बाइट देके चला जाता हूँ, अवार्ड भी नहीं ले पाता. अभी फिलहाल तो फोकस उधम सिंह पर है. सैम मानेकशॉ की शूटिंग हम 2021 में ही शुरू कर पाएंगे बट जितना मेरे से हो पाएगा कोशिश की एज क्लोज टू सैम मानेकशॉ मैं फिजिकली लग पाऊँ एंड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर एंड एवरीथिंग. तो वो तो मैं पूरी कोशिश करूँगा बट अभी तो फोकस उधम सिंह पर है. सर आप पूछिए ये कौन सा लास्ट हुआ जो लास्ट के बाद एक और होता है. कई लोगों का कहना है कि ना थोड़ी जैसे ये अदिल कह रहे थे कि रोमांटिक फिल्म करनी चाहिए आपको, मतलब थोड़ा ऐसा रोमांटिक. सर आप बन जाओ डायरेक्टर, आप बन जाओ प्रोड्यूसर और मुझे कास्ट कर लो, मैं अभी साइन कर लेता हूँ. तापसी आपसी के साथ अच्छा कुछ बनाइए ना सर, रोमांटिक. मैं अभी बात करता हूँ तापसी से. जनरल वैसे लोग चाह रहे थे कि सीन नहीं है रोमांटिक एंड जो वैसी फिल्में होती हैं. हाँ जी, नहीं मैं बिल्कुल करना चाहूँगा, जब भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी मैं बिल्कुल करना चाहूँगा. एंड आप मुझे देखेंगे भी, हर फिल्म में एक रोमांटिक एंगल है भी ज़रूर बट वो कितनी मात्रा में आएगा और कितनी इंटेंसिटी में आएगा वो मैं नहीं बता सकता बट आई वुड ऑल्सो लाइक टू डू इट. इन दिनों जो हमारे समाज में जिस तरह की घटना या देश में जैसे चीज़ें हुई, एक युवा के रूप में आप कैसे देखते हैं? मैडम तो किस तरह से आप देख रहे हैं, जैसे भारतीय फिल्म मेकर्स भी जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों में अलग अलग तरह से अपने लेटर्स लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आपका मतलब किस तरह से क्या सोच रहेगी एक युवा के रूप में, क्योंकि ये फिल्म मेकर सीनियर फिल्म मेकर्स हैं, इन्होंने एक एक लोग हैं, एक इस तरफ है. तो अगर आप प्रधानमंत्री जी से मिले
आप अपने शब्दों में बताएं। देखिए मेरा मानना है कि ओपिनियन रखने से, डिस्कशन करने से, एक डिबेट होने से एक सोसाइटी का भला ही होता है, एंड इट्स ग्रेट दैट वी आर गेटिंग टू एक्सप्रेस इट, एंड एक्सप्रेस करना अच्छी बात भी है और ज़रूरी बात भी है, तो बहुत अच्छी बात है। एंड द मेन थिंग इज़ दैट आप किसी भी दल में हो, एज लॉन्ग एज हमारा मोटिव देश का विकास हो, वो हमेशा एक अच्छी चीज़ होती है। सो आई एम ग्लैड दैट वी आर इन अ जंक्चर, एट अ जंक्चर वेयर डिस्कशंस आर हैपनिंग, डिबेट्स आर हैपनिंग, एंड ओपिनियंस रखने का मौका मिल रहा है और ओपिनियंस को डिस्कस करने का मौका मिल रहा है। सो इट्स ऑलवेज वेरी नाइस। हाँ जी, हाँ जी, ये चीज का माहौल लगता है, इंटॉलरेंस, असहिष्णुता, ये माहौल लगता है आपको देश में युवा के रूप में? देखिए मुझे इट्स अ वेरी बिग फील्ड, इट्स अ वेरी बिग वर्ड, कि आप उसको जनरलाइज नहीं कर सकते। यू नो, ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने नहीं देखा तो किसी और ने नहीं देखा, या मैंने नहीं, मेरे पे बीती नहीं है तो किसी और पे नहीं बीती। बहुत बड़ा देश है और इंटीरियर्स में क्या क्या होता है मुझे भी नहीं पता, मैं अपने दुनिया में क्या होता है वो मैं देखता हूँ। तो सो इट्स ऑल्सो नॉट फेयर कि हम किसी से पूछे कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, इट्स अ बिग टर्म जो आप फ्रिवलसली नहीं दे सकते, यू नो, कि लगता है या नहीं लगता है। बट हम अपने जो पर्सनल लेवल पे जो भी जिम्मेदारी निभा सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस, इन टर्म्स ऑफ यूनिटी, इन टर्म्स ऑफ रियली विशिंग द बेस्ट फॉर द कंट्री एंड द सोसाइटी अराउंड यू, मुझे लगता है मैं देश में बदलाव तभी ला सकता हूँ जब अपने आसपास में वो बदलाव लेकर आ पाऊँ जो मैं देखना चाहता हूँ। तो अगर हम वहाँ फोकस करें एंड रियली उस पर काम करें, देन आई थिंक वी आर हेडिंग इन अ वेरी गुड डायरेक्शन। अरे थैंक यू ये मेरे वाइड्स में कब करूँ पे? ये क्या? हमें अपने वाइड्स भी चाहिए ना विकी। मैं मतलब सब भारती हटो ना, हो गया तो भारती हो गया तो अच्छा आपका रह गया। हाय, अरे अरे इतना तो चलो, राइट साइड, लेफ्ट साइड, ओके चलो, एक सेकंड ना, सॉरी हेलो, गुड इवनिंग, सामने देख रही हूँ मैं। हाँ जल्दी आ गई आप है ना, है ना? हाँ। नहीं वापस जाऊँ क्या? ज्यादा जल्दी आ गए। लाइफ में बहुत जल्दी हो रखी है, मुझे अभी लग रहा है जल्दी जल्दी हर जगह पहुँच, नहीं कई कबार होता है हम लेट भी हो जाते हैं, कई कबार जल्दी आ जाते हैं, मतलब अभी मुझे नहीं मिला ट्रैफिक आज तो मैं जल्दी आ गई। इन्फॉर्मेशन, लेकिन आज एक कार्यक्रम बहुत ही मेगा सुखद है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी होंगे। हाँ जी, आपको सम्मानित किया जा रहा है जी, विशेष बात आपके लिए? बहुत विशेष होता है जब ऐसे इन हाथों मतलब जो इतने ऑनरेबल पोजीशन पे हैं उनके द्वारा अगर सम्मानित किया जाए तो ऑब्वियसली स्पेशल हो जाता है, तो वो इसलिए शायद एक्साइटमेंट में जल्दी आ गया तो अच्छा लगेगा, आई मीन देखते हैं वो मोमेंट कैसा होता है। आपने वैसे काम भी बहुत ही सराहनीय किया है, अपनी थैंक यू फिल्में हो चाहे आपकी सामाजिक जिम्मेदारियाँ हों, तो ये प्रशंसा तो बनती ही है आपकी। अच्छा मैं तुम एम्बैरेस करना मत शुरू करो मुझे, मैं फिर मतलब फिर मैं घूंघट ओढ़ के निकल जाऊँगा। हाँ अरुण, अभी अब अरुण पूछेगा कुछ धुआंधार क्वेश्चन अभी। हिंदी न्यूज़पेपर कितना रीड कर, एक दिन में कितना रीड करती हैं आप? एक दिन में मैं आजकल तो न्यूज़पेपर ही नहीं रीड कर रही हूँ मैं ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दिया मैंने न्यूज़ आजकल, क्योंकि ऑन द गो तो वही सबसे ज़्यादा उसके नोटिफिकेशन आते रहते हैं, तो जो आते हैं पॉपअप होते हैं वो पढ़ते हैं। अभी अब वो एक्चुअली आदत छूट गई है पढ़ने की, जो कि गलत होती है, बचपन में पेरेंट्स ने तो डाली थी मेरी आदत, घर में कुछ 4-5 तरह के न्यूज़पेपर आते थे, नवभारत टाइम्स आता था घर पर मेरे, दिल्ली में अभी भी आता है, तो हाँ वो उस टाइम आदत थी, अब जब से यहाँ पर आया काम करना शुरू किया एक्चुअली तब से आदत छूट गई है पढ़ने की। तापसी, गेम ओवर इज वन ऑफ द बेस्ट तेलुगु फिल्म ऑफ दिस ईयर, सो व्हाट्स योर रिस्पांस? जिस तरीके से एक्सेप्टेंस मिली है, मतलब पैन इंडिया मिली, नॉट आई थिंक इट्स अ टॉप 10 रेटेड मूवीज IMDb मूवीज ऑफ दिस ईयर, लकीली मेरी दोनों पिक्चर उस लिस्ट में आ गई, आई एम होपिंग जो बाकी दो है वो भी आ जाए। आई एम वेरी हैप्पी यार, आई मीन इट वॉज सच अ एक्सपेरिमेंटल सब्जेक्ट, तो वो तीन लैंग्वेजेस में एक साथ रिलीज करना ही एक बहुत ही ज़बरदस्त चैलेंज होता है,
तो आई एम वेरी हैप्पी इट गॉट रिसीव्ड वेल. IMDb ratings are pretty good and साल मेरा आधा अच्छा निकल गया, बाकी आधा देखते हैं कैसा निकलता है, पता चल जाएगा अभी कुछ जल्दी. या ऑलमोस्ट देयर, अब याद मत लाओ, एक साल और बूढ़े होने वाली हूँ मैं. फेस्टिवल स्टार्टेड विद दिस, हाँ आज हो जाएगा, कुछ घंटों में फेस्टिवल मेरा चालू हो जाएगा, फिर मैं हफ्ते तक सेलिब्रेट ही करूँगी. फॉर माई सेल्फ यार, तुम विशेज दो ना मुझे, मैं थोड़ा ना अपने आप को विशेज दूंगी, मतलब ये तो हद हो गई, मतलब सेल्फिश बने की. लेट्स आस्क हर दिस क्वेश्चन, वो मुझे क्या गिफ्ट कर रही है, मैंने तो दे दिया उसको गिफ्ट, पता नहीं क्या देती, वैसे पता नहीं क्या देगी, सरप्राइज ही है. एक्चुअली इसलिए नहीं बता पा रहे ज़्यादा, क्योंकि एक तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बहुत स्पेशल मुद्दा है, जैसे कि देख ही रहे हैं आप अनुभव सर की फिल्में लास्ट दो जो आई हैं, मुल्क और आर्टिकल 15 मुद्दे पर होती हैं, तो ये भी एक मुद्दा होगा, थोड़ा इस टाइम ज़्यादा सोशल होगा. There's a reason why it's releasing on Women's Day, at least, I mean, जो the Friday closest to Women's Day. और उससे ज़्यादा details आपको जब formal official announcement आएगी उसके साथ आपको काफ़ी कुछ पता चल जाएगा. But ये एक ऐसा subject है जो अनुभव सर और मैंने मुल्क की promotions के दौरान discuss किया था. Script उस समय नहीं थी कोई, जब हम discuss कर रहे थे इस मुद्दे पर, हम दोनों ज़रूर collaborate करना चाहेंगे because we both feel very strongly for this subject. एंड तब से लेके आई थिंक आप समझ लीजिए जुलाई अगस्त का समय था, एक साल एग्जैक्टली एक साल पहले ये हमने डिस्कस किया था, और आज एक साल बाद स्क्रिप्ट बन चुकी है और वो शूट करने वाले हैं एक महीने में. अरे दे हैव बीन वेरी काइंड, रेखा जी हैज़ बीन रियली रियली काइंड. मैं उनके ऑफिस भी गई हूँ कई बार, तो वहाँ पर बहुत अच्छा प्यारा सा वेलकम मिलता है हर बारी, बहुत वार्म. इससे पहले मैं काफ़ी बारी आना चाहती थी इनके इवेंट्स पर, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाई, तो इस बारी आई एम हैप्पी आई कुड मेक इट. मतलब एक बहुत प्यारा वार्म सा वेलकम मिलता है NBT के द्वारा जब भी मैं इनके ऑफिस आऊँ या कभी भी इनके जर्नलिस्ट से मिलूँ, तो आई होप वो आगे भी बरकरार रहे, चाहे वो मेरे काम की वजह से हो या किसी की भी वजह से हो, बट आई होप वो सिचुएशन रहे, मेरे को आगे भी बुलाना. अवार्ड इस बारी दे रहे हो, अगली बारी नहीं भी दोगे तो बुला लेना प्लीज़. एक ही तरफ पूछो, बहुत टाइम है, कोई और आया ही नहीं है. नहीं नहीं विकी हैं ऑलरेडी. आ गया विकी, ओ माय गॉड. हाँ इन रीसेंट डेज वी हैव सीन फिल्ममेकर्स टेकिंग स्टैंड्स इन टू सेपरेट व्यूज. हाँ आप मेरे से किसी ने साइन नहीं मांगा, ना इस तरफ ना उस तरफ. तो मैं पूछ रहा हूँ, आप मैं सेंटर में हूँ, ना मैं लेफ्ट हूँ ना मैं राइट हूँ, मैं सेंटर में हूँ. विचार तो आपके होंगे उस पे, जो मेरे विचार है ना मैं वो व्यक्त कर देती हूँ, चाहे वो मैं कभी भी, मैं एक्चुअली उन चीज़ों पे विचार अपने रखती हूँ जिससे मुझे अफेक्ट करता है. जब भी कोई इस तरह का हादसा हुआ है जो मेरी नज़र में आया है, मैंने उसके बारे में बोला है. जब मुझे कोई अच्छी चीज़ भी दिखी अपनी कंट्री के बारे में, उसके बारे में प्राउडली मैंने बोला है कि आई एम सो प्राउड ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग हैपनिंग. सो आई थिंक दोनों तरफ के आंखें खोल के रखनी चाहिए. उनको लग रहा है कि इस टाइम पे नीड ऑफ द आर है, तो उन्होंने वो किया जो उनको सही लगता है. जिनको लगता है कि उनके लिए वो नीड ऑफ द आर है कि वो बोले कि ये सही नहीं है, उन्होंने वो किया. मेरे को जो लगता है वो मैं बोल देती हूँ. इन दोनों में से कोई मेरे पास नहीं आया साइन के लिए, मैं किसी के पास नहीं गई साइन करने के लिए, मैं अपने सोशल मीडिया पर बोल देती हूँ जो मेरा मन करता है. सी अच्छे और बुरे हर तरह के लोग हर समाज में होते हैं, तो उसमें से कई टॉलरेंट भी होते हैं, कई इंटॉलरेंट भी होते हैं. अब मैं काउंट नहीं किया देखने के लिए कि मेजॉरिटी किसकी है, मैंने दोनों तरह के लोग देखे, इतना बोलूँगी. जाते जाते अच्छा उसको पूछने आप, भाई मैं मिशन मंगल टाइम इंटरव्यू में क्या पूछोगे मेरे से, फिर अगर अभी पूछ लोगे तो. 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है, 15 अगस्त ये ना बहुत स्ट्रेस हो गया है, क्योंकि रक्षाबंधन पे यूजली लास्ट ईयर तो मैंने कोशिश करी थी, मैं घर थी गई थी अपने सारे भाइयों को राखियाँ बांधने. तो इस साल मैं रक्षाबंधन का दिन नहीं, उसे दो दिन पहले शायद दिल्ली में हूँ, तो वो बांध के मैं एडवांस रक्षाबंधन करके आ जाऊँगी, और 15 अगस्त के दिन घर पे बैठ के वो सुबह जब दूरदर्शन पे देखते हैं वो सारा प्रोसेशन वो देखते हैं. वो मेरा एक तरह से रेगुलर रूटीन रहा है बचपन से, मेरे पेरेंट्स ने आदत डाल रखी थी मेरी, तो रिपब्लिक डे हो या इंडिपेंडेंस डे हो तो वो देखते हैं.
और उसके बाद नंबर देखेंगे कितने आ रहे हैं बॉक्स ऑफिस पे. होता क्या है फेस्टिवल सीजन जो होता है उस समय स्पेशली इतना लंबी एक्सटेंडेड वीकेंड होता है जब तो फैमिलीज आर मोर देन हैप्पी टू गो आउट ट्वाइस टू वॉच अ फिल्म इफ दे फाइंड इट गुड. आई थिंक ये इंडिपेंडेंस डे के लिए भी सही बैठता है और ये दिवाली पे भी सही बैठता है. मेरी फिल्म दिवाली पे आ रही है विद अनदर फिल्म सो आई थिंक दैट्स बिकॉज वी हैव सच अ लॉन्ग हॉलीडे एंड फैमिलीज आर इन अ मूड टू सी अ गुड फिल्म सो दैट वेज आई डोंट थिंक विद दीज टू फिल्म्स इट विल रियली मैटर मच. Yeah, I mean, both will get a little more breathing space because one, another big film got moved. So, yeah. अच्छा लग रहा है तुम्हारे को? अरे अरे, थोड़ा सा बढ़ाओ सुमित, थोड़ा सा बढ़ाओ. हाँ, और बढ़ जाएगा ना? ओके, चलो ठीक है. चलिए. A very, 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 very happy Independence Day. Swatantrata Divas ki hardik shubhkamnaye. I hope aaj ke din hum sab kuch ek kaam aisa karein jisse hame lagega ki hamare deshvasiyon, hamara desh jo hai, hamare ko dekh ke, hamare kaam ko dekh ke proud mehsoos karega. So, please do that. Thank you. Thank you so much. Thank you. Hello guys. Just a second. Isha ji, welcome. How does it feel for you to receive the Navbharat Emmy Award? Yeah, it's क्योंकि हिंदी का है तो मैं हिंदी में ही बोलता हूँ. मतलब बहुत अच्छी खुशी की बात है और Navbharat टाइम्स ऑलमोस्ट 69 ईयर्स 70 साल पूरे होने को आए हैं और लगातार हिंदी की सेवा कर रहा है और हिंदी में हमको खबरें भी दे रहा है और हमारी खबर भी ले रहा है तो बड़ी अच्छी बात है. इट फील्स गुड व्हेन यू रिसीव समथिंग सम यू कम टू दीज काइंड ऑफ अवार्ड फंक्शंस एंड यू रिसीव समथिंग फॉर योर कंट्रीब्यूशन. एनीथिंग ऑन योर एसोसिएशन विद Navbharat टाइम्स एंड द टीम? Navbharat टाइम्स से नया बहुत पुराना मेरा रायन रिश्ता है क्योंकि मैं हिंदी का स्टूडेंट हूँ, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूँ. बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट Navbharat टाइम्स पहले तो काफ़ी बड़ा आता था. मतलब जिन दिनों मैं यूनिवर्सिटी में होता था तो काफ़ी तकरीबन 16 पेज का Navbharat टाइम्स होता था. फिर संडे रविवार ये जो होता था वो 4 पेज उसके होते थे और बहुत अच्छा लिटरेचर होता था इसमें उन रविवार के अंकों में. और काफ़ी अंक मैं सहेज के भी रखता था क्योंकि मेरी पोइट्री, मेरी जो PhD थी वो समकालीन कविता पे थी तो समकालीन कविताएं काफ़ी कवि इसमें छपते रहते थे. राजेश जोशी छपते रहते थे, केदारनाथ सिंह छपते रहते थे, मंगलेश डबराल छपते रहते थे तो ये सारी कविताएं और सारे लेख मेरे लिए काफ़ी रोचक होते थे जिसकी वजह से काफ़ी कटिंग्स होती थी मेरे पास यूनिवर्सिटी टाइम में Navbharat टाइम्स की. डिजिटल माध्यम के आने से आपको लगता है जो अखबार है उसकी महत्ता बनी रहेगी आने वाले समय में? बिल्कुल, अखबार की महत्ता बनी रहेगी बिल्कुल उसी तरह से जैसे डिजिटल बुक्स आने की से. कोई ऐसा नहीं है कि प्रिंट बुक कम हो गई हैं बल्कि इंटरनेशनल जो पब्लिशिंग कंपनियां हैं वो और ज़्यादा हिंदुस्तान में आ गई हैं और ज़्यादा किताबें छापने लग गई हैं. अखबार की एक अपनी वैल्यू होती है. डिजिटल न्यूज़ के साथ आप जो एक टच का फील होता है, जो पेपर पढ़ते हुए आपके साथ एक सुबह के कप के साथ आप बैठते हैं और अखबार पढ़ते हैं, वो मुझे लगता है डिजिटल न्यूज़ आने के बाद भी, डिजिटल मीडिया आने के बाद भी वो फील आपको उस तरह से नहीं मिल पाता. तो हम लोग जो ख़ासकर जो एशियन लोग हैं, हिंदुस्तानी लोग हैं, साउथ एशियन लोग हैं, वो फील पे ज़्यादा वर्क करते हैं तो बरकरार रहेगा, अखबारें बरकरार रहेंगी और प्रिंट मीडिया हिंदी का इंग्लिश का दोनों ही बरकरार रहेंगे. पत्रकारिता से आप संतुष्ट हैं जिस तरह से होती है? देखिए ऐसा है, संतुष्टि तो हाँ संतुष्टि हैं, ऐसा नहीं है मतलब, लेकिन यह है कि किसी भी चीज़ में बेहतर होने की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है और बेहतर होने की कोशिशें भी लगातार चलती रहती हैं. तो ये जो
फिल्मी पत्रकारिता है, ख़ासकर नभा टाइम्स से, नभा टाइम्स में, एनबीटी में, मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेहतर है और हालांकि और बेहतर होने की भी काफ़ी गुंजाइश है। अपने कार्य के बारे में बताएं जो हम देख सुन पढ़ पाएंगे। मेरे कार्य के बारे में हाल फिलहाल में किताब आई है मेरी चौथी, काली औरत का ख्वाब, वो आप पढ़ लीजिएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको। उसमें मेरे काम के बारे में भी है और मेरे नाकाम के बारे में भी है, मतलब काम की बात भी है और नाकामी की बात भी है उस किताब में। वो किताब काफ़ी इंटरेस्टिंग किताब है। और उसके अलावा मैं समकालीन हिंदी कविता की अपनी एक एंथोलॉजी जल्दी लेके आने वाला हूँ। बाकी फिल्मों में आप गाने तो सुनते ही रहते हैं मेरे, और वो इंशाल्लाह सुनते भी रहेंगे। कुछ बता सकते हैं आने वाले कौन से, मतलब ऐसे कि कई बार आप हम लोगों से थोड़ा दूर ही रहते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आप लोगों से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मतलब मैं वो मोहब्बत बरकरार रहे, बनी रहे, इसी वजह से मैं कभी कभी, वो कहता है ना कि कुछ रिश्तों का नमक ही दूरी होता है, ना मिलना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आने वाली मेरी जो फिल्में हैं, जैसे इम्तियाज़ अली डायरेक्टर हैं, उनकी एक पिक्चर है जो अभी हाल फिलहाल में आने वाली है, और विधु विनोद चोपड़ा साहब की एक पिक्चर है लव लेटर्स फ्रॉम कश्मीर, जिसका टेंटेटिव टाइटल है, वो आने वाली है मेरी पिक्चर। तो ये बिल्कुल इमीडिएटली मेरी आने वाली फिल्में हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारा सौभाग्य कि आप जैसे बुद्धिजीवी हमारे सानिध्य में हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, थैंक यू वेरी मच। सर यहाँ पे भी फोटो करने हैं, मार्क लगाया। नमस्कार, आप आइए, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, इज माय फेवरेट। हाँ जी, पूछिए कुछ। आपके दिव्य दर्शन आज से यहाँ पर। दिव्य दर्शन, ये अच्छी बात है कि एक तो इस नभा टाइम से वैसे भी मैं जुड़ा हूँ कि मैं 18 साल हो गए मुझे पढ़ते हुए, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसमें, नॉलेजेबल चीज़ें हैं, मैं पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है सुबह, आई फील माई सेल्फ वेरी चार्ज्ड। और अच्छी बात है, इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों को इन्होंने कंसिडर किया है। वैसे तो कई लोग हैं जो इस सम्मानित के हकदार हैं, लेकिन कभी कभी उनमें से कुछ लोग जो होते हैं कभी कभी अवेलेबल होते हैं, और कभी उनके बारे में जो इन्होंने एनबीटी ने सोचा है वो बहुत अच्छा सोचा है, हमें अच्छा लगा। और मैंने जब सामने से उनको कहा, मैंने कहा देखिए आप मुझे अवार्ड देंगे, मैं आपका थैंक यू बोलूँगा, धन्यवाद बोलूँगा, मुझे मज़ा नहीं आएगा। कहते अरे क्यों? मैंने कहा मैं थोड़ा सा गुनगुनाना चाहूँगा, थोड़ा सा गाऊँगा भी यार, मज़ा उसमें है, मेरे को जो आनंद जिससे मिलता है। तो अपने बाजे तबले लेके आ गया, मैं थोड़ा सा गाऊँगा भी, आप भी सुनिए। आप तो जहाँ जाते हैं वैसे जलसा उत्सव हो जाता है, और आज आप लोग उत्सव में शामिल हो रहे हैं, 70 साल के करीब पहुँच रहा है ये। अच्छा, ये एनबीटी? जी सर, जी सर। हाँ तो ठीक है, 30 साल के बाद फिर पूछ लीजिएगा, तब 100 साल हो जाएंगे। हाँ जी सर, स्वतंत्रता दिवस नजदीक है, आपके कंठ की आवाज़ अगर लोगों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दे दे, जैसे आप मंच पे तो करेंगे तो हम तो वहाँ पे होंगे नहीं, हाँ जी, मैंने तो सलीम सुलेमान के साथ एक गाना भी बनाया था, मैं पीर मनावन चली गया, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में ही था, और चलिए आज वहाँ पे स्टेज पे भी गा देंगे उसी के उपलक्ष्य। आप नहीं आएंगे तो रौनक नहीं लगेगी, तुसी नहीं आओगे तो रौनक लगनी नहीं है, स्पेशली यू। तो बहुत इम्पोर्टेंट डे है 15 अगस्त, एक सेलिब्रेशन भी है, हमें एक ऐसी तकलीफ से आज़ादी मिली, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें सरल भाषा में, स्पष्ट शब्दों में अपने जो यंगस्टर्स हैं उनको बताना होगा, सरल भाषा में, नॉट विद द डिप्लोमेटिक सेंटेंसेस, कि इस तकलीफ से दूर करने में जिन लोगों ने शहादत दी है वो ये लोग हैं, और उनके बारे में बताना होगा। उसमें कई खूबसूरत नौजवान हैं, आप भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आज़ाद की बात करें, बहुत सारे नाम हैं ऐसे, तो उनके बारे में बताना ज़रूरी होता है।
ताकि उनकी आत्मा को भी शांति मिले कि जो बलिदान हमने दिए हैं उसमें सिर्फ एक शाम की महफिल में नहीं ख़त्म कर दिया गया बल्कि उसे डिस्क्राइब किया गया. वी हैव टू जनरेट द हिस्टोरी ऑफ जो हमारे बलिदान जिन्होंने दिया है. तो 15 अगस्त जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये ऐसे आसानी से दिन नहीं आया, इसके लिए बड़ी शिद्दत बड़ी मशक्क़त की गई है. देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू, निशाने पे जो रहते हैं निशाने से नहीं डरते. देश मेरे मेरी जान है तू. धन्यवाद धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. और आपका योगदान भी बहुमूल्य है हमारे संगीत फिल्मों में सिनेमा में. और आप तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत को प्रेजेंट कर चुके हैं, प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं. थैंक यू वेरी मच. धन्यवाद. नमस्कार सर. एक सोलो.